नमस्कार, जय हिंद भाई आशीष रंजन। आप सभी का एक बार फिर से स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, अभी हम लोग बजरंगबली के मंदिर में खड़ा हैं और आप ही के लिए हम भी यहां पे आए हैं, ताकि जितने भी लोग देख रहे हैं हमें, 24 अप्रैल को आने वाले परीक्षा में आप जब सभी जाइए और बजरंग बली की कृपा से सबका अच्छा ही होगा, सबका बहुत अच्छा होगा और सबका रिजल्ट आए और उसके बाद आप लोग फिजिकल में लग जाए। तो थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहेंगे। वैसे तो जो भी लोग यहाँ पे आए होंगे वो तो जानते ही होंगे, जो नहीं दर्शन किए हैं बजरंग बली का उनको हम थोड़ा सा दर्शन करवा देते हैं। देखिए, अभी हम लोग ये स्टेशन के बगल में मंदिर है, पटना जंक्शन के बगल में। देखिए पीछे में एक डेमो ट्रेन भी लगा हुआ है और ये पटना जंक्शन है पीछे में। तो चलिए अब बजरंग बली का दर्शन कराते हैं। आप लोग बस जोड़ तोड़ से अभी लगे रहिए तैयारी में, क्योंकि 24 अप्रैल बहुत नज़दीक आ गया है और हम लोगों को बीपीए राजगीर से अभी 2 दिनों के लिए थाना विजिट का छुट्टी मिला हुआ है। तो हम लोगों को थाना विजिट करना है अभी। आइए बजरंग बली का दर्शन करते हैं। और यहाँ पे आप बजरंग बली के मंदिर में जब भी आइएगा तो यहाँ के लड्डू बड़ा फेमस लड्डू है। आइए थोड़ा सा लड्डू ले लिए हैं ताकि सभी लोगों को प्रसाद मिल जाए। और ये देखिए अंदर का दृश्य है, पीछे बजरंग बली है, यहाँ पे घंटा वगैरह भी लगा हुआ है, सब कुछ अच्छा है। और आप लोग बस अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और सभी पास करके आइए। बजरंग बली के दर्शन करना नहीं भूलिएगा चाहे जो भी हो। अभी कुछ और दृश्य दिखाते हैं हम ऊपर से। और आप सभी आइएगा यहाँ पे, तो आप लोग बजरंग बली को अच्छे से माथा टेकना रहता है। और ये सेकेंड फ्लोर का दृश्य है। देखिए यहाँ पे भी मतलब मेनली है तो बजरंग बली का मंदिर, लेकिन सारे देवी देवता तो एक ही होते हैं और बहुत सारे की प्रतिमा यहाँ पे लगा हुआ भी है। पीछे में आप ब्रिज भी देख रहे हैं। जो लोग भी यहाँ पे आए होंगे वो तो सब घूमे ही हैं, जो नहीं आए होंगे वो एक बार देख लीजिए, दर्शन कर लीजिएगा बजरंग बली का, ताकि आप जब एग्ज़ाम में बैठिए तो बहुत ज़बरदस्त आपका परफॉर्मेंस रही। और बजरंग बली आपको कभी डरने नहीं देंगे, ये बात जान लीजिए, ठीक है। बजरंग बली की कृपा बना हुआ रहेगा तो आप एग्ज़ाम में फ्रस्ट्रेट या कुछ होता ना, आखिरी टाइम है ना, तो आखिरी टाइम में डर बहुत ज़्यादा लगता है, फ़ोन भी बहुत सारा आ रहा है कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है ये वो, तो अभी आपको पढ़ना भी नहीं है, आराम से बस सेट लगाइए, जहाँ पे आपको कमजोरी दिख रहा है बस उसको आप पूरा करते रहिए। और देखिए आए हैं तो सभी देवी देवता से दर्शन करेंगे। मंदिर बनने वाला है, तो शायद पश्चिम चंपारण में बनने वाला है, उसका कुछ दृश्य है, इधर कर दीजिए कैमरा। देखिए कितना ज़बरदस्त मंदिर बनने वाला है, बहुत बड़ा मंदिर बनने वाला है। देखिए कुछ इस तरह का दृश्य होगा जो मंदिर बनने वाला है, ठीक है। चलिए थोड़ा अंदर लेके चलिए स्टेशन की तरफ, सब लोग बस पढ़ना है, 10 दिन बचा हुआ है, 10 दिन में डिमोरलाइज नहीं होना। और ये रहा आपका पटना जंक्शन, बहुत अच्छा दृश्य है एकदम कोना। हाँ देखिए एक बार, बहुत अच्छा मनमोहक दृश्य है पटना का। भीड़ भाड़ भी यहाँ ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो अब जब कभी भी आइए यहाँ ज़रूर आइएगा, और ख़ासकर आपका एग्ज़ाम हो जाए ना तो आप ज़रूर एक बार आके मिलिएगा।
बजरंग बली की कृपा से नवेदम जरूर चढ़ाइएगा तो हमको जरूर याद कर लीजिएगा, हम भी आ जाएंगे आप लोगों का खुशी में, थोड़ा सा खुशी हमें भी मिल जाएगी आप अगर लड्डू खिला दीजिएगा और सफल हो जाइएगा। चलिए अच्छे से तैयारी करते रहिए, बहुत सारा का फ़ोन आ रहा था कि अब क्या करें, क्योंकि अब तो इस संडे को छोड़कर अगले संडे को तो आपका एग्ज़ाम है, बस आप थोड़ा सा चोरी और इस तरह से बहुत सारे दलालों से आप दूर रहेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारा आपको मिलेगा, 50,000 दीजिए, इतना दीजिए, उतना दीजिए, आपको पोर्शन दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऊपर से आपके 3 सेंटर है तो 3 सेंटर में तो आप समझ ही रहे हैं, 3 सेंटर में तो कहीं कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। पिछले कुछ एग्ज़ाम में आप देख सकते होंगे कि क्वेश्चन वायरल या फिर आंसर वायरल जैसा कुछ है नहीं, ठीक है। आप अच्छे से तैयारी करिए, फिर आपसे मिलेंगे। फिजिकल के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, आपके एग्ज़ाम जैसे ही होगा आपको सार्जेंट क्वालीफाई करने लायक आपको ऐसा ग्रुप या धरवा दिया जाएगा, या फिर आप हमारे मदद से आना चाहेंगे तो आपको ऐसा धरवाया जाएगा ग्रुप, ताकि आप सार्जेंट के लिए क्वालीफाई कर सकें, ठीक है। देख लीजिए पूरा ये ऊपर का पूरा दृश्य, काफ़ी अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा माहौल भी है यहाँ पर, पूजा पाठ करने से ऐसे भी शांति मिलता है। आप आइए एग्ज़ाम देकर, ठीक है, मिलते हैं अगले दिन, चलिए।